ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक कर रहे कुछ और खबरों का। शेपरा में स्पेयर पार्ट्स की दुकान में भीषण आग लग गई। आग की सूचना के बाद आसपास के क्षेत्रों में अफरा तफरी मच गई। घटना की सूचना मिलते ही दमकल की 3 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी है, जिसमें 15 लाख से ज्यादा का सामान समेत 2 व्हीलर गाड़ियां भी जलकर खाक हो गई। जस्ट ट्रांसफार्मर रखा है। विद्युत विभाग के अधिकारियों को, आला अधिकारियों को भी जताया जाता है कि इसकी रूपरेखा देखो, इतने कनेक्शन दिए हैं और सब नीचे कनेक्शन है। आज कम से कम हमारे यहाँ कम से 15 से 20 लाख रुपए का नुकसान हुआ। कम से कम 10 लाख की गाड़ियाँ जल रही लाइट, और इसमें पूरा विद्युत विभाग पर कहना चाहिए उनकी लापरवाही से हुआ काम, क्योंकि टेम पर देखते ही नहीं है। पहली बात तो हर जगह देखो, हर खंभे पर देखो, हर जगह दिक्कत चल रही है। आज तो इसका गरीब को नुकसान हुआ, अब जब कौन भुगतान करेगा? अब वो तो 10 साल पीछे चला गया बेचारा, और उसके परिवार के ऊपर कितनी विटंबना आई है। सिर्फ विद्युत विभाग की लापरवाही से हुआ है ये काम। हमारे दुकान के सामने ट्रांसफार्म रखा है, उसमें 2-3 बार शॉर्ट सर्किट हुआ। हमने कंप्लेंट भी की, वो कंप्लेंट करने के बाद भी वो नहीं सुनते, और आज हमारी दुकान का नुकसान हुआ उसी के कारण। कितना करीबन लोग? 14 से 15 लाख। अब क्या चाहते हैं आप लोग शासन से? शासन से क्या मांग करना चाहें? यही मांग करना चाहते, हमारा नुकसान हुआ है तो भुगतान करें, उन्हीं की लापरवाही से हुआ है। काय की दुकान थी, क्या क्या ऑटो पार्ट्स की दुकान थी, हर गाड़ियों का पार्ट्स की दुकान थी।